गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और ईवीएस सब्जेक्ट क्लास फर्स्ट के लिए है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये गो ग्रीन जो अपना सब्जेक्ट ईवीएस है एंड क्लास फर्स्ट है। और आज हम चैप्टर लेंगे चैप्टर थर्ड। आप देखें इधर, चैप्टर थर्ड, नेम ऑफ द चैप्टर इज हेल्थ इज वेल्थ। क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। देखिए बेटा, हेल्थ का मतलब होता है हमारी बॉडी, हमारा शरीर, इसका मतलब होता है हेल्थ। और वेल्थ होता है, वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, पैसा, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं जिसमें हमारा पैसा, मकान, जमीन सब कुछ आता है, उसको बोलते हैं वेल्थ। लेकिन यहाँ हेल्थ के साथ इसको जोड़ा गया है, कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी हेल्थ ठीक है, हम हेल्थी हैं, तो हमारे पास वो सबसे बड़ी संपत्ति है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हम रोज़ बीमार रहते हैं, हमें अनेकों तरह की डिजीज हैं, हम शारीरिक तौर पे कमज़ोर हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्थी। और उसके बाद अगर हमारे पास वेल्थ है तो उसका कोई यूज नहीं है। सो सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो है हमारी हेल्थ, वो है हमारी हेल्थ। आप क्लास थर्ड में हैं तो आपको हेल्थ के बारे में छोटी छोटी टिप्स आज बताई जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। चलो ऊपर से शुरू करते हैं। हे मिनी सी, आई हैव क्लीन्ड द हाउस। यहाँ पे देयर इज अ बॉय, ये देयर इज अ गर्ल, गर्ल नेम इज लाइक MINNIE, सो दैट बॉय इज टेलिंग टू दिस गर्ल दैट आई हैव क्लीन्ड द हाउस, मैंने घर को साफ कर दिया है। हाउ इज इट लुकिंग, हाउ मीन्स होता है कैसा, लुकिंग मीन्स दिख रहा है, यह कैसा दिख रहा है। सो इसने एक्टिविटी फिनिश करने के बाद ही इज आस्किंग टू हर, इससे यह पूछ रहा है। ओके, अब ये क्या बोलती है, क्या रिप्लाई कर रही है? The house is clean, house साफ है, मिक्की, इसका नेम क्या है, मिक्की, but you have thrown all the garbage on the road, लेकिन आपने क्या किया, जितना घर का garbage था बेटा, garbage होता है कचरा, house जब हम साफ करते हैं तो जो उसमें जैसे paper wraps या और कुछ जो भी उसका garbage होता है, unwanted चीज़ें होती हैं, तो उसने क्या किया, हाउस तो क्लीन किया बट थ्रोन ऑल गार्बेज ऑन द रोड, रोड पे फेंक दिया। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये ही मिनी मिक्की को बता रही है कि दिस इज रॉन्ग, ये आपने गलत किया। चलो आगे आगे कहा जा रहा है, वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। सराउंडिंग्स का मतलब होता है बेटा चारों तरफ, जैसे हमारा घर है उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है वो होता है सराउंडिंग्स, ठीक है। वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, कहा गया है कि भाई हमें अपना चारों तरफ का एरिया और सराउंडिंग भी क्लीन करना है, चाहिए, मस्ट। जर्म्स ग्रो ऑन गार्बेज एंड मेक द इन्वायरमेंट डर्टी। जर्म्स होते हैं ना बेटा, जो कीटाणु होते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, वो कहाँ बढ़ते हैं, गार्बेज में पनपते हैं, ग्रो होते हैं, और क्या करते हैं, मेक द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है उसको डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। चल, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। देखिए, अगर हम काम करते रहेंगे, मीन्स ऑल वर्क एंड नो प्ले, खेलेंगे नहीं, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक नाम है जैक, जैक को क्या बना दिया, डल बॉय, मीन्स डल का मतलब होता है बिल्कुल एक तरह से एक्टिव ना होना,
मतलब जो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, एकदम सुस्त, डल का मतलब होता है सुस्त बेटा, सुस्त, तो उसको सुस्त बना दिया। आई एम सॉरी, आई विल क्विकली कलेक्ट ऑल द गार्बेज एंड थ्रो इट इन ए कवर्ड बिन। एक्चुअली मैंने ये पहले बता दिया, उसके बाद में ये था। अब ये रियलाइज कर रहा है मिक्की कि भाई मुझसे गलती हो गई। आई विल क्विकली कलेक्ट ऑल द गार्बेज, जो गार्बेज मैंने रोड पे फेंका है उसको मैं कलेक्ट करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। कलेक्ट का मतलब होता है बेटा इकट्ठा, एंड थ्रो इट इन ए कवर्ड बिन, और मैं उसको एक जो बिन है, बिन होता है जिसमें हम कचरा डालते हैं, बिन होता है ना, जो जैसे नगर पालिका वाले रखते हैं, म्यूनसिपल वाले रखते हैं, बिन कचरा डालने का पात्र, कवर्ड होता है वो, तो उसमें डालना है। चलो अब शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पे आपके लिए कुछ एक्टिविटीज हैं, देखिए कुछ काम आपको भी करना है। अगर मैं पूरा का पूरा बता दूंगा तो इट विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज आपको भी कुछ एफर्ट डालना है, ठीक है। पुट अ टिक ऑन द थिंग्स, आपको टिक लगाना है इन राउंड में, और पिक्चर यू थिंक आर क्लीन एंड हेल्थी, जो चीज़ें क्लीन हैं या हेल्थी हैं उन पे आपको ऐसा टिक लगाना है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए बेटा। अब यहाँ से अपना लेसन शुरू होता है, चैप्टर शुरू होता है। वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्थी। देखिए कुछ गुड हैबिट्स होती है बेटा, अच्छी आदतें, टू स्टे हेल्थी। अब हेल्थी का मतलब बता दिया स्वस्थ रहना, ठीक है। हेल्थी का मतलब है स्वस्थ रहना, हमारा ग्रो, हमारा डेवलपमेंट ठीक हो, हमारी हाइट ठीक हो, हमारा साइज ठीक रहे, हम बीमारियों से दूर रहें, हम इन्फेक्शन से दूर रहें, ये सब आता है हेल्थी में। दैट मीन्स हम हेल्थी हैं, तो हमें गुड हैबिट्स फॉलो करनी है, तभी हम हेल्थी रह सकते हैं। नॉट ओनली आवर हाउस बट आवर सराउंडिंग्स एरियाज शुड ऑल्सो बी क्लीन। भाई हमारा घर ही नहीं हमें साफ रखना है, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ, हमारे घर का सराउंडिंग मतलब हमारे घर का चारों तरफ एरिया शुड ऑल्सो बी क्लीन, वो भी साफ रहना चाहिए। लेट्स सी सम वेज टू कीप क्लीन। अब कुछ तरीके बताए गए हैं जो साफ रख सकते हैं, कौन से हैं पढ़ते हैं उनको। सबसे पहला, वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें बताया गया है कि हमारे जो टीथ हैं उनको साफ करना है, ब्रश करना है। बेसिकली ब्रश से ही हम अपने टीथ को करते हैं ब्रश। कितनी बार करना है? 2 बार दिन में, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। आपको एक तो सुबह सुबह करना है, और बिफोर गोइंग टू बेड, जब आप रात में, गोइंग टू बेड का मतलब होता है बेड मीन्स बिस्तर, जब आप सोने के लिए जाते हैं उससे ठीक पहले आपको एक बार और करना है। 2 बार हो गया। नेक्स्ट, वी मस्ट हैव अ बाथ डेली विद क्लीन वाटर एंड सोप। डेली मीन्स रोजाना, हमें बाथ मीन्स होता है नहाना, शावर लेना, जो हम नहाते हैं। देखिए ये पिक्चर में ये बॉय नहा रहा है, सो हमें बाथ लेना है, नहाना है रोज, किससे? क्लीन वाटर से और साबुन से, सोप मीन्स साबुन। ओके बेटा, नेक्स्ट, वी मस्ट कीप आवर नेल्स शॉर्ट एंड ट्रिम। नेल्स होते हैं बेटा हमारे नाखून, देखिए इस डायग्राम में ये जो गर्ल है ये अपने नाखूनों को काट रही है, शॉर्ट कर रही है, तो हमें अपने जो नेल्स हैं, कई सारे नेल्स होते हैं ना इसलिए नेल्स को प्लूरल लिखा है, हमें शॉर्ट रखने चाहिए और ट्रिम्ड रखने चाहिए, उनको छोटा रखना चाहिए, और ट्रिम्ड का मतलब होता है मैनर में रखना चाहिए, ऑर्डरली रखना चाहिए, ठीक है भाई। मैनर ऑर्डरली का मतलब होता है उनको साफ भी रखना है नेल्स को और छोटा भी रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। मील्स का मतलब होता है बेटा जब हम खाना खाते हैं, जैसे लंच हो गया, वो एक दोपहर का मील हो गया, डिनर हो गया, इन सब को मिला के क्या बोलते हैं? मील्स। तो हमें अपने हैंड्स को, हाथों को साफ करना चाहिए, बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में। खाने से पहले भी साफ करना है और खाने के बाद भी साफ करना है। और अभी जो प्रॉब्लम चल रही है बेटा कोरोना वाली, इसमें तो आपको जब भी आप कहीं जा मतलब बाहर जैसे मार्केट से आ रहे हैं या स्कूल से, तो अभी लग नहीं रही बट स्कूल से भी आ रहे हैं फ्यूचर में, तो आपको एटलीस्ट आपको
हैंड्स फ्रीक्वेंटली, बार बार धोने चाहिए, लेकिन खाने से पहले और खाने के बाद तो मस्ट है, आपको धोना ही धोना है। ठीक है, नेक्स्ट, वी मस्ट वीयर क्लीन आयरन्ड क्लोथ्स। देखिए क्लोथ्स मीन्स होता है कपड़े जो बेटा हम पहनते हैं, तो हमें साफ आयरन का मतलब होता है आयरन, ये जो प्रेस बोलते हैं ना उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, प्रेस, आयरन का होता है आयरन क्लोथ्स, मतलब प्रेस किए हुए, इसको एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं स्त्री, लेकिन हम लोग होते हैं प्रेस। तो हमें क्लोथ कैसे पहनने चाहिए, प्रेस किए हुए, आयरन किए हुए, और साफ भी पहनने चाहिए, हमें साफ भी एज वेल एज आयरन क्लोथ्स। इसलिए जब आप स्कूल में आते हैं बेटा, योर पेरेंट्स, योर मदर, योर फादर आपको आपके क्लोथ्स को आयरन पहले वॉश करते हैं, उसके बाद आयरन करते हैं, और फिर आप उनको वियर करते हैं। ठीक है, दे मेक अस लुक स्मार्ट, उससे आप क्या लगेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, अदरवाइज आप स्मार्ट नहीं दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वी मस्ट, ये तो हो गया, वी मस्ट कीप आवर हेयर ऑयल्ड एंड कॉम्ब्ड प्रॉपरली। हेयर मीन होते हैं बेटा बाल, हमें अपने बालों को ऑयल्ड करके रखना चाहिए, सावर के बाद उनमें ऑयल अप्लाई करना है, तेल लगाना है, ऑयल्ड का मतलब होता है क्या, तेल लगाना। एंड कॉम्ब्ड का मतलब होता है बेटा कंघी करना, कॉम्ब्ड, हमें वो पहले ऑयल लगाना है बाद में कॉम्ब्ड करना है, प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक तरीके से। नेक्स्ट, वी मस्ट थ्रो गार्बेज इन कवर्ड बिन्स। गार्बेज का मैं मतलब मैंने पहले बता दिया, कचरा, और कवर्ड बिन्स, ये देखिए डायग्राम में कवर्ड बिन्स है जहाँ पे गार्बेज डाला जाता है, कचरा पात्र, तो हमें गार्बेज कवर्ड बिन में ही डालना है, ये नहीं रोड पे नहीं फेंकना है। आपको जो भी आपका गार्बेज है, कोई पेपर है या घर में बची हुई वेजिटेबल्स हैं, है ना, वैसे तो बेटा एक होता है गीला कचरा और एक होता है सूखा कचरा आजकल, तो गीला जो कचरा है किचन का वो गीले कचरा होता ना, जैसे कोई हमारे पास वेजिटेबल बच गया, दैट कम्स इन गीला कचरा, तो वो आपको सेपरेटली डालना है। सूखा कचरा होता है जो ड्राई है, वो अलग से डालना है, लेकिन चलो वो अलग चैप्टर है, हम बात करें वी मस्ट थ्रो गार्बेज इन कवर्ड बिन्स, हमें कचरा जो कवर्ड बिन्स है उसमें डालना है बेटा। चलो आगे, अब आपका जो हेडिंग है वो है एक्सरसाइजिंग एंड प्लेइंग। देखिए एक्सरसाइजिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, व्यायाम करना, क्या होता है व्यायाम करना, एंड प्ले से बना है प्लेइंग, खेलना, व्यायाम करना एंड खेलना, ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, तो हम हेल्थी नहीं रहेंगे। जिस तरह हमारी हेल्थ के लिए हेल्थी फूड की ज़रूरत है, हेल्थी स्लीप की ज़रूरत है, मतलब अच्छी नींद की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह हमें हमारी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज और प्लेइंग की ज़रूरत है। इसको हम पढ़ते हैं कैसे, टू कीप अवर बॉडी फिट, ये हमारा बॉडी है ना, हमारा शरीर है बेटा, ये मशीन है, इसको फिट रखने के लिए वी मस्ट स्पेंड सम टाइम। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, सम मीन्स होता है कुछ, तो वी मस्ट स्पेंड सम टाइम इन प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग ऑल्सो, हमें कुछ टाइम, देखिए कुछ टाइम खेलने पे और एक्सरसाइज पे खर्च करना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन खेलने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप मोबाइल लेके या लैपटॉप लेके या टीवी में गेम खेलते रहें, नहीं, ऐसा करना तो और बेकार है बेटा। खेलने का मतलब है कि आप ग्राउंड में जाएं जो आपके होम के नियर बाई है, या आपके होम में थोड़ा प्लेंटी एरिया है खुला, तो वहाँ खेलें अपने फ्रेंड्स के साथ, बट सेफ्टी के साथ खेलें और अपने पेरेंट्स को बता के जाएं। ठीक है बेटा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप अवर बॉडी हेल्थी, बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, आप अभी छोटे हैं आप जानते नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में कोई चीज़ है तो अपनी बॉडी को हेल्थी रखना है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी से दिमाग में बिठा लें, सबसे दुनिया में है इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, उसको हेल्थी रखना। ठीक है, नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, वो मेडिसिन देता रहेगा, आप खाते रहेंगे,
ठीक है, और बीमार पड़ते रहेंगे बेटा। आगे देखिए आपके लिए बेटा है, कुछ एक्टिविटी है, नेम द ब्रांड्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स दैट यूज एट होम टू स्टे क्लीन। देखिए ये है बेटा एक शॉप, यहाँ पे लिखा है खाली शॉप, लेकिन आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आप अपने घर में कौन सा ब्रांड यूज करते हो, मीन्स कौन सी सॉप यूज करते हो, उस सॉप का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कुछ लोग डिटॉल सॉप यूज करते हैं, कुछ लोग लाइफ बॉय सॉप यूज करते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। अब आप अपने घर में कौन सी सॉप यूज करते हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। आ गया शैम्पू, ऐसे ही शैम्पू बेटा, कई सारे शैम्पू आते हैं ना मार्केट में, कुछ लोग जैसे हेड एंड शोल्डर जो शैम्पू यूज करते हैं, आप अपने घर में कौन से यूज करते हैं उसका नाम लिखना। ऐसे ही है हेयर ऑयल, बालों में लगाने वाला तेल, हेयर मीन्स बाल, ऑयल बालों में लगाने वाला जो तेल है, कुछ लोग कोकोनट, कुछ लोग आलमंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप क्या यूज करते हैं लिखेंगे। ऐसे ही आप अपनी टूथपेस्ट कौन सी यूज करें, पेप्सोडेंट, कोलगेट, वट एवर, यानी क्या क्या है, प्लीज राइट द नेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट, दिख रहा है ना, वी मस्ट ईट हेल्थी फ्रेश एंड क्लीन फूड। भाई आपको हेल्थी भी खाना है, फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा भी खाना है, और साफ खाना खाना है। आपका खाना हेल्थी होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और साफ होना चाहिए। फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स हैं लाइक पिज़्ज़ा, नाम सुना होगा आपने, हो सकता है खाया भी हो, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में आती है ना पेप्सी और ये ड्यूक, ये सबको बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। जो ठंडी ड्रिंक्स हैं उनको बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। मस्ट बी अवॉइडेड, अवॉइडेड का मतलब होता है उनसे आपको दूरी बनानी है, वो मतलब आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। आपको कहा गया कि भाई ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आपको इनसे दूर रहना है, नहीं खाना है, क्योंकि ये हेल्थी नहीं है। टेस्टी तो होंगे, आपको टेस्टी लग रहे होंगे, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है बेटा ये। दे आर अनहेल्थी टू ईट, लिखा भी हुआ है, एक होता है हेल्थी जो स्वास्थ्य के लाभदायक है, अनहेल्थी मीन्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दे मेक अस ओबीज, एक वर्ड है बेटा ओबीज, ये है देखो OBEZ, ओबीज का मतलब है फैट, ब्रैकेट में लिखा है फैट मीन्स मोटापा। मतलब अगर हम पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा खाएंगे, अक्सर खाएंगे, तो हम ओबीज हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे, फिर वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो बेटा ये हमने अपना चैप्टर फिनिश कर दिया है, और इसके बाद में देखिए ये है बेटा आपकी सॉल्यूशन सी। हर बार की तरह ये सॉल्व है, जैसे कुछ सर्किल द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स जो यहाँ पे है ना सर्किल द करेक्ट ऑप्शन, इन्हीं क्वेश्चनों को मैंने सॉल्यूशन शीट में सॉल्व किया है आपके लिए। ये देखिए हेल्थ इज वेल्थ चैप्टर का नाम, चैप्टर 3, सब्जेक्ट TVS क्लास 1। ठीक है, आपको ये अपनी सॉल्यूशन शीट आपकी नोटबुक में उतारनी है, और साथ ही साथ आपके टीचर्स को चेक करानी है, और व्हाट्सएप पे वापस सेंड भी करनी है। ठीक है, नीट एंड क्लीन वीडियो को पूरा देखना है, लेकिन एक चीज छूट गई, एक क्विक रिकैप। देखिए बेटा क्विक रिकैप का मतलब होता है रिकैप मीन्स एक बार फिर से, एक तरह की समरी, जितना बड़ा हमने 2-3 पेज पढ़े उसका एक समरी, सारांश, सारांश यहाँ पे दिया है, निचोड़ यहाँ पे दिया है, रिकैप है ना। फिर से क्विक मतलब क्विकली हमें बताया गया कि कितनी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हमने अपने लेसन में पढ़ी। पहला वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमने पढ़ा कि भाई हमें अपने घर के चारों तरफ साफ सुथरा रखना चाहिए। वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्थी, अगर हमें हेल्थी रहना है तो गुड हैबिट्स को फॉलो करना होगा, बैड हैबिट्स को छोड़ना होगा। वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एंड टाइडी, हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसको साफ रखना है, क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा रखना है। और लास्ट में एक्सरसाइजिंग एंड प्लेइंग आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। भाई अब जो हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे शरीर के लिए, और खेलते हैं, ये दोनों की दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी गुड हेल्थ के लिए।
ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर करा दिया है और मैंने असेसमेंट सीट के बारे में भी आपको बताया गया है। ठीक है, आपको सब कुछ अपने नोटबुक में करना है और ईवीएस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ में काम आएगा बेटा। और साथ ही साथ टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है कि स्कूल नहीं लग रही है, बस नहीं हम तो पूरे दिन टीवी देखना है, खेलना है। तो खेलना है, बट खेलना है शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे 1 आवर। मैंने बताया कि खेलना आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ओनली फॉर 1 आवर या 45 मिनट्स। ठीक है बेटा, आपको सिंसियरली ऑनेस्टली इन सब कामों को करना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, जो आपको वर्ड्स नहीं आते हैं उनको अंडरलाइन करना है डिक्शनरी में देख के। वैसे मैंने जितने भी हार्ड वर्ड थे आपको करा दिए हैं, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ग्रुप में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव ए ग्रेट डे बेटा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।